हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपके अपने एक और नए ब्लॉग में। ले कविता, ये एक्सरसाइज तेरे लिए हैं। जो भी पहली फैट की इतने टेंशन हो रही है, टेंशन मत करो, हो जाएगा। जब इतना वेट लॉस कर रही है तो कर लिया कर रही है। तो ये आज आपके लिए ही डाली है स्पेशल। और एक बहन ने वो मांग रही थी, जुम्बा का लिंक मैंने भेज दिया था, शायद देख लिया होगा आपने भी। कोशिश करती हूँ उसी टाइम कमेंट के नीचे जवाब देने की, और जो मेरे से पॉसिबल हो सकता है वो बताने की। उसी टाइम बताया जाता है तो मैं बता भी देती हूँ, और अगर कमेंट बड़ा हो जाता है तो फिर मैं वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ। और जो ये अपने व्यूवर हैं मेरे, वो मेरे लिए एक फैमिली ही है, उनका तो मेरा हक भी बनता है उसी टाइम उनको जवाब या उनको हेल्प करना, वो मेरा फर्ज है। साथ एक्सरसाइज होगी, अब फटाफट से नीचे चलते हैं, क्यों आज कपड़े भी धोने हैं, काफ़ी कपड़े हो रहे हैं। ठंड में ये भी होता है, कपड़े धोना सबसे मुश्किल काम लगता है। और मैं सुबह सुबह लगा देती हूँ अपनी मशीन, अब जाते ही लगा दूँगी। साथ में किचन के काम होते रहेंगे और साथ ही साथ ही निमट जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं करा करती मैं। लेट कपड़े धोने में फिर मेरे को मज़ा भी नहीं आया करता, ना ही मैं धोया करती। 9-10 बजे के बाद मैं कभी कपड़े नहीं धोते अपने। सुबह सुबह उठता ही मशीन लग जाए तो लग जाए, फिर वो सारा दिन क्यों पोछा लग जाता है, उधर से उधर गीले में आना, और वो सबसे गंदा लगता है। फिर पेड़ सारे घर में, कोई पेड़ ही पेड़ है रहे, तो मैं अपना सुबह सुबह ही लगा देती हूँ। सुबह चाहे 2 घंटे लगो, चाहे 3 लगो, चाहे 1 घंटा लगो, तो चलते हैं। पहले जाकर मशीन लगाऊंगी, फिर और काम निपटाऊंगी किचन में। वो तो साथ ही साथ चलते रहेंगे फिर। जी राम राम, कहाँ क्या उड़ जिया ना, उड़ जा पड़ा है सब कुछ, बीच में सारी चीजें होने लग जा। मैं भुजी बनाने लग रही हूँ, मूली की, मूली के पत्ते हैं, मूली है, और एक तरफ से लग रही है मिक्स वेज बनने, तो वो रखी हुई है साथ में दूध। दूध वाला भी इतना लेट आने लगा, बिल्कुल ही 8:30 के बाद आता है ये भी। बीच में गैस कोई खाली, गैस की जरूरत है ना, दूध वाला आता ही है, भी रखे जाते हैं साथ ही साथ। और उधर से कपड़े लगे हुए हैं लास्ट, बस अब देखूंगी अभी सुखा के आऊंगी या बाद में सुखाऊंगी, एक बार वो किस में लेंगे जब सुखा के आती हूँ। और अभी तो काट कर रख रखे, वो भी निकालना, दूसरी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। सुबह सुबह रहता तो बनाया भी नहीं, रहते पीछे फिर कहीं रहता नहीं बनाया, सब्जी होगी ये होगी और वो निकलेगा, फिर रहता भी चाहिए। खानी दो दो रोटी है आग के बीच में, को कपड़े निकाल के आई, फिर आते हैं जूस निकाला। यूं के यूं कपड़े टेंगे हुए थे, उतारे भी नहीं थे, नीचे से पजामा चढ़ा हुआ था और ऊपर से टी शर्ट। मैं फिर उधर से जल्दी मचा देते हैं, कर कर, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया। तो ये चीज़ें सुबह सुबह तो ऐसे हाथ पांव फूल जाते हैं। अपनी तरफ से चाहे लेट हो जाओ, पर हमारी तरफ से लेट नहीं होने चाहिए। बैक टाइम हो गया, 10 बजने वाले हैं, 9:45 हो गए, तो अब कपड़े सुखा के आई हूँ, अब फ्री हूँ। जा जूझे ले है ना, जब फ्री होगा हाथ में अब इसकी करती हूँ सफाई। इसमें पड़ा हुआ ही हूँ तो मेरे उसमें आ जाता है किचन वेस्ट में काम। ऊपर इसका सब फर्टिलाइजर बना है, फिर इसको साफ करते हैं, मैं तो बाद में ही लूँगी, मेरा तो रखा ही है अभी। एक बार ये साफ सफाई करते हैं ना, इसकी करते हैं ना, फिर करती हूँ मैं, क्यों काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ। तो ऑफिस में जाते हैं जब आदमी तो टाइम हुआ हुआ है, रिलैक्स सा हो जाए, वही मैं होगी, अपने कपड़े भी सुखाए आई जाने के बाद, और अब इनकी मैं सफाई करके, पहले इसे नहीं डाल के आऊँ मैं ऊपर छत पर ना, पहले किचन वेस्ट भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, फिर मैं अपना ले आऊँगी, फिर बर्तन बर्तन गया और काम करूँगी। टाइम हो गया 11:30 हो गए, अपने मिशन पर चला। एक हाथ में तो ग्लव्स पकड़ रही हूँ, ऊपर ग्लव्स खत्म हो गए थे मेरे, और एक में लस्सी और गुड़ जो मटके मेरे भर के ना किचन वेस्ट में फुल भर के, अब उनमें थोड़ा है ये डाल दिया करूँ तो जल्दी होता है, फिर डिकम्पोस्ट जल्दी हो जाता है खाद। आज तो पहले तो गन्ने चूसू बैठ के ना, फिर ताकि लंच टाइम तक भूख लग जाए, वो काम करूँगी ना, काम ज़्यादा है छत के तो फिर भूख लग जाओगी, तो उन्हें चूसते हूँ टाइम है आज, बैठते हैं धूप। जैसे कई कह देते हैं कि इतना क्या छत पे पेड़ पौधों पे काम होता है, ये काम होता है पेड़ पौधों पे ना, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब जैसे छत गंदी हुई हुई थी, तो आज इनको इसकी सफाई करनी है, इस पर पेंट कराया हुआ था, इसके नीचे पे छाया था, पहले तो वो निकाला कपड़ा, फिर इसकी सफाई करनी, पत्ते झड़ जाते हैं, फिर पौधे की कटिंग होती है, नीचे ज़मीन में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी इतनी सफाई नहीं करनी पड़ती जितनी छत पर करनी पड़ती है, क्यों जो इनके अब ठंड में पत्ते झड़ते हैं, रोज इधर उधर उड़े रहते हैं, बाई चांस बारिश हो जाए और वैसे भी मिट्टी आती है, और फिर जो हम कटिंग करते हैं वो भी झड़ जाती है। दूसरे तीसरे दिन तो यह सफाई मांगता है, अब तो कई दिन हो गए थे सफाई करें, क्यों हवा चल रही थी तो साफ़ हो नहीं रहा था,
और नहीं फिर इन पौधों की कटिंग भी रोज करनी पड़ती है। अब ठंड में वैसे ये डोरमेसी में जा रहे हैं, कई पौधे हैं जो गर्मियों में खूब फूल देते थे, अब इनमें फूल नहीं है और पत्ते भी उनके लगे हैं थोड़े थोड़े ना सूखे सूखे से होने लगे। वो तो मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ तब इस तरह के हैं, ना तो बिल्कुल ही यूँ ऐसे हो जाते हैं। और एक हमारे पौधा में मिट्टी कम होती है तो इसलिए भी इनकी ज़्यादा ही केयर की ज़रूरत होती है इन पौधों को। लास्ट में आ गए तो मैंने जर्सी विरशाल भी उतार दिया, गर्मी में इतनी दुखी हो गई थी ना, काम कर करके पसीने आ गए थे करते हुए। टाइम हो गया 1:30 बज गया ना, गर्मी में लाल मुँह हो रहा है, काम लग रही थी बहुत ज़्यादा काम था और कपड़े जितने सूखे थे वो उतार लाई। दूसरा हाथ भी खाली नहीं है, उसमें डब्बे डब्बे ले रही हूँ जिसमें लस्सी और गुड़ ले रही थी ना, डीकम्पोस्ट के लिए दिखने लग रहा है। हवा बहुत तेज चल रही है, छत साफ करनी बहुत जरूरी हो रही थी पर मुश्किल से साफ करी है। कई दिन से सोच रही थी पर हवा तेज की तेजी हो रही थी, आज फिर थोड़ा हा करके नर करिए सहज सहज करके ना सारी छत, और काम भी हो गए थे। पेड़ पौधे की कटिंग चल रही है, उसमें तो कई दिन लगेंगे अभी मेरे को ना, जो सूखे सूखे हैं पौधे असल में ज़्यादा हो रहे हैं ना, सारी उनकी सूखी सूखी निकालनी पड़ती है बैठ के। तो चलो अब खाना बनाती हूँ। सब्जी के चक्कर में ना मिक्स वेज है और मूली की भुजी है और सैलेड है अपना, पहले सैलेड खाऊंगी और फिर सब्जी रोटी। काम करा था ना थकी, वैसे भूख तो नहीं थी, मन नहीं करा था, करना चूस लिया था, जाते 11:30 ही चूस लिया था, अब तो 2 बजने वाले हैं, पर वो इतना काम करा तो थोड़ा मैं खा लेती हूँ तो गन्ना चूसने के बाद भूख नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, भूख भूख नहीं प्यास भी नहीं लगती, पर पानी गर्म होने लग रहा मेरा पीने का, पतीले में रखा हुआ। टाइम हो रहा अपनी चाय पी ली यहाँ बैठ के ना धूप में, और मेरा कटोला सही बना हुआ है, जो छोटे बच्चे का होता है ना तो उस हिसाब से बना हुआ है, ये बनाया हुआ था ग्रो बैग का, तो मैं इतने ग्रो बैग में कुछ नहीं बोएंगे तो ग्रो बैग अंदर पड़ा है, तो ये ठीक काम आ रहा है बैठने बैठने के, दोपहर में जिस तरह खाना खाए ना ऊपर आके धूप में, तो मैं तो इस पर बैठी रहती हूँ यहाँ पर, और थोड़ा लेटना चाहे तो बेशक लेट जाए ना पिल्लो लगा के ना, तो लेट भी जाती हूँ मैं थोड़ी ही ना, अगर लेटना चाहे तो सही आ रहा है काम अपने झूले में, पर बैठते हैं अभी मैंने इसके पिंजे यूँ घुमाए हुए हैं, बैठूँ तो एक बार उधर हिल जाए वह एक बार उधर हिल जाए, अब खड़ा कर रखे हैं ये जगह पर, पूरा मशीन चल रही है बहुत ज़्यादा, भोंग होगी आवाज़ सुन दी गई होगी। मैं अपनी मूड़ी पाड़ ली, टाइम 4:30 हो रहा है, माँ तो मेरी गाड़ी भी पार्क में गई है। वेलकम बैक, रात का डिनर मेरा तैयार हो गया है, मेरा नहीं सभी का ही है, तो रात का डिनर में है खिचड़ी ओट्स की, सारी सब्जियां डाल के और बिल्कुल ही पतली पतली है तो दिखने लग रही है, सारी सब्जियां है A to Z जितनी भी घर में थी, और इसको अब सारे ही खा लेंगे, एक माँ माँ की 2 रोटी बनानी है तो सभी का ही काम चल जाएगा, सारे ही खा लेते हैं हमारे तो ना। सारी सब्जियां डाल के हैं, थोड़ी ही लिक्विड सी है तो इस टाइप की, ओट्स डाल के, ओट्स की खिचड़ी है चावल वाली की बजाय ना, ओट्स वाली में थोड़ा पेठा भर जाता है, तो इस तरह ओट्स ही खा के ना और भूख नहीं लगती, रोटी की ज़रूरत ही नहीं होती। कई कमेंट होते हैं और कल परसों भी था कि रोटी खाने को दिल नहीं करता, नहीं रोटी खाने को बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता, अगर एक बार ये चीज़ें खाने शुरू में जब हम करते हैं ना, जब तो यूँ होता है कभी रोटी वगैरह रह नहीं जाए, और एक बार ये चीज़ें खाने लग जाते हैं फिर रोटी का कोई वो होता ही नहीं, क्यों पेट भर जाता। ओट्स में वैसे भी फाइबर होता है और मैं तो रोल्ड ओट्स मंगवाती हूँ, वैसे भी रोल्ड वाला होता है मेरा, फाइबर प्रोटीन सब कुछ होता है इनमें, तो यूँ लगता ही नहीं हाँ मैंने खाना है। अब इसको दही के साथ खा सकते हैं, वैसे खा सकते हैं, दही मिला के भी खा सकते हैं, और वैसे भी अच्छा लगता है, गरम गरम ना खाए तो बड़ा टेस्टी लगा है सारी सब्जियाँ, और नमकीन चावल चावल की तरह लगता है, टेस्टी भी लगता है हमारे को तो। अब जैसे हस्बैंड अब आए थे, उन्होंने आज दिन में लंच लेट किया होगा तो बोले क्या बनाएगी, मैं ओट्स की वो खिचड़ी बनाऊँगी, मैं भी खाऊँगा, मेरे लिए भी बना लेना, तो बेटा भी खा लेता है ऐसे ही, यूँ ही खा लेते हैं हम तो, हमारे तो सारे खा लेते हैं, अगर इस तरह की मैं बनाती हूँ तो यूँ है ही नहीं हम नहीं खाएंगे, तो सब्जियाँ डली होनी चाहिए चावल की बजाय, बल्कि अब ये खा के खुश होते हैं ज़्यादा। हाँ वो क्रेविंग्स ही होती है कई बार शुरू शुरू में करते हैं जब रोटी ही होती है, जब यूँ थोड़ा हा मन हा यूँ कड़ा कर लेंगे ना, नहीं रोटी बगैर मैं कर सकती हूँ मैं खा लूँगी, तो जब हो जाता है थोड़ा यूँ हट सी कर लेना, नहीं खाने मैंने रोटी में ये चीज़ें खाऊँगी, जब हो जाता है फर्स्ट टाइम जब जो चीज़ें करने लगते हैं ना, जब हम ये रोटियों को छोड़ कर ना वेट लॉस के उन पर आते हैं तब होता है। स्टार्टिंग में जब मैं करने लगी थी तो मेरे को भी हाई रोटी वगैरह कैसे रहा करूँगी,
जैसे पर वो था ना डाइटिशियन तो कुछ ना कुछ देते ही रहते थे, हर 2 घंटे बाद खाओ हर 2 घंटे बाद खाओ। और डाइटिशियन का मैंने ये भी देखा था, फिर जैसे ही मेरा छूटा 6 महीने के बाद फिर मेरा वेट गेन भी हुआ था, तो फिर मैं उसी रूटीन पे आ गई। 6 बार तो नहीं खाया जाता मिनट मिनट में, आप कहते हैं 2 घंटे बाद खाते रहो, 5 मील जरूर होने चाहिए। 11 बजे जैसे फ्रूट, सुबह ब्रेकफास्ट करके 11 बजे फ्रूट हो जाए, फिर लंच हो जाए, फिर इवनिंग टाइम में स्नैक्स हो जाए, फिर डिनर हो जाए, फिर रात को ग्रीन टी हो जाए। पर ये चीजें कई बार वो हेल्दी ही नहीं होती, घर में जैसे रूटीन में हमारे बनते हैं, तो रूटीन में हम इन चीजों को कर सकते हैं, स्टफ रोटी और इन चीजों को ना, ये चीजें हमारी जरूर हो जाएंगी रूटीन में, जो घर वाले और परिवार भी खा ले, अपना भी बन जाए ना। कई बार ये होता है अपने लिए भी बना ले, हाँ थोड़ा हा वो होता है अपने आप का ही करड़ा दिल करना होता है थोड़ा हा जिद, हाँ भाई मैंने नहीं गलत चीज गलत टाइम पर नहीं खानी तो नहीं खानी, थोड़ा हा जिद पन है अपने उसमें लेना पड़ता है ना, क्रेविंग होती है कई बार होती है। और यूँ थोड़ा है सर्दियों में आप अपना कुछ नहीं बना सकते, बनाओ खाओ तो थोड़ा हा। और सर्दियों में यूं ही गेन होता है ना, हम गलत एक तो खाने को दिल करता है, कोई भी चीज हुई गरम गरम चीजें बना लो खा लो बना लो खा लो, पर उन्हीं को हेल्दी उसमें करके खा लेना तो कोई नुकसान नहीं होता, बढ़े नहीं गा तो बढ़े भी नहीं गा, तो ये चीज भी है। अब जैसे मैं कई दिन से गन्ना चूस रही हूँ, गन्ना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे लीवर को साफ करता है, खून साफ करता है, क्यों हमारे सर्दियों में सूख चूसते हैं तो लेते हैं चूस लेते हैं, कोई बात नहीं, वो तो एक बार जैसे ही चूसना छोड़ देंगे उसी टाइम फिर वो यूं का यूं आ जाता है, अगर कम नहीं होएगा तो वहीं रुक भी जाएगा, मेरा अब रुका हुआ है मैं चूस रही हूँ, तो ये चीज़ अगर सर्दियों में खाने का फायदा है तो मैं बाद में फिर हम कर लेंगे। जैसे हस्बैंड भी लेके आई, हम अपना गाड़ी में रख ले जाते हैं 2 बरने तो चूस लेते हैं, नहीं उन्होंने भी 6-7 किलो अपना लूज किया हुआ है, इसीलिए वो भी इन चीज़ों को खाते हैं प्रेफर करते हैं ना, दे तो बिल्कुल भी ना, मेरी तो रोटी बना दे ऐसे चलाया करता ना, रोटियां पे ना नहीं रह जाएगा, हम खाते हैं इन चीज़ों को। तो चलो जी कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।